मोदी की मरोड़ पहले भी निकाली थी और भाई मोदी अगर फालतू मरोड़ है तो एक बार कह दे कि हम ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे, कह दे फिर हरियाणा में तेरा कुत्ता भी घुस जाए तो बता देगा। आज जो देश की सरकार है उसकी हालत आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। हर धर्मी है, हरियाणा के मंत्री पे छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ, कुछ नहीं बना। हमारी बेटियां दिल्ली में बैठी है, कुछ नहीं बना। हमारे लखीमपुर में किसानों को मार दिया कुशल के मंत्री का, कुछ नहीं बना। लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं, हमने इस किसान वर्ग ने, इन हरियाणा वालों ने मोदी की मरोड़ पहले भी निकाली थी और भाई मोदी अगर फालतू मरोड़ है तो एक बार कह दे कि हम ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे, कह दे फिर हरियाणा में तेरा कुत्ता भी घुस जाए तो बता देगा। हम फिर वही कर देंगे, मुख्यमंत्री का ध्यान परसों पर गया था ना, लख तो जितने मर्जी मार लेना, कतल जितने मर्जी कर लेना, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का कुत्ता भी नहीं घुसेगा। ये कर देंगे, करते तक नहीं आते बदल। शराबत से मान जा, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, ना मारना चाहते हैं, ना मरना चाहते हैं, लेकिन इज्जत की तरफ आग उठेगी ना तो सिर कटवा सकते हैं, बहन ने बताया। दूसरी बात, माननीय सत्यपाल जी के साथ क्या गुनाह किया इन्होंने, इनका मकान छीन लिया, छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं किराए के, इनकी सिक्योरिटी छीन ली, इनका सारा कुछ छीन के ऊपर सीबीआई की रे। हम बता देना चाहते हैं, थोड़े से साइड में लो, माननीय सत्यपाल मलिक जी को आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर सत्यपाल जी की तरफ उंगल की तो सारा हरियाणा इनके साथ में घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं भाई। और मोदी जी, अगर तेरे को अपनी लोकप्रियता का घमंड है, सुन ले भाई, हमारी बहन सुन ले, अगर मोदी जी तेरे को अपनी लोकप्रियता का घमंड है तो इलेक्शन ऐसे करा ले जैसे सरपंच का होता है, एक तरफ तो मोदी जी तू खड़ जाना और दूसरी तरफ हम खड़ा आएगा सत्यपाल मलिक जी। तो अगर तेरी जवान जब तुम्हारा कमाई तो फिर जरूर करना।